बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर अफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182, फाइंड नंबर्स। अगर हमारे पास टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल हो तो हमें नंबर्स फाइंड करते हैं। तो नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट कर लेंगे, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास x और x प्लस 1, यानी लेट कर लिया हमने, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास किसके इक्वल हैं, x और x प्लस 1 के इक्वल हैं। गिवन कंडीशन हमें जो दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो ये जो नंबर्स हमने लेट किए हुए हैं इनका प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। सो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, तो प्लस 182 था, इस साइड पे आके माइनस 182 हो गया। उसके बाद आप इसके फर्दर पेयर्स बना लें, ऐसे पेयर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए माइनस का और प्लस का 1 आ जाए। तो 14 और 13 हमने पेयर सेलेक्ट किए, x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया, माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अलहदा से हम इनको 0 के इक्वल रख लेंगे, 0 के जब इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी और x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है, चूंकि स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हमें पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो सो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए हम माइनस 14 को इग्नोर कर देंगे और ये वाला जो है x और x प्लस 1 इसको आगे लेके चलेंगे। x की वैल्यू पुट करें 13 है और ये 13 प्लस 1 यानी 13 और 14 दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर ये हमारे पास आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है। थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हम देखें तो वो 77 के इक्वल होता है, उनका सम ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 77 के इक्वल होता है। तो कहते हैं लेट कर लेते हैं, थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे पीछे लेट किया वो था x और x प्लस 1, तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं x और x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हमारे पास जो है वो थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कंडीशन है इनका स्क्वायर लेना है और इनको ऐड भी करना है, इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर भी लेना है और इनको ऐड भी कर लेना है। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, ये सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करें, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करें, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, उसके बाद हमने ये करना है कि ये वैल्यू आप इसमें ऐड करें, एक जैसी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये ऐड होकर 3x स्क्वायर आ गया, 2x प्लस 4x ये 6x आ गया, उसके बाद 1 प्लस 4 ये 5 होगा, 5 में से 77 निकलेंगे तो ये 72 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है, हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सिंपल सॉल्व करना आता है, या आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या आप इसके पेयर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर बनाए गए हैं, 6 4s are 24, तो x कॉमन x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन x प्लस 6, x प्लस 6 और x माइनस 4 को अलग-अलग हमने 0 के इक्वल रखा, एक हमारे पास माइनस 6 आ गया एक प्लस 4 आ गया। चूंकि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है तो माइनस 6 को इग्नोर कर देंगे, 4 को लेके चलेंगे आगे, 4 4 प्लस 1 4 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 और 6, दीज आर द रिक्वायर्ड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर 4 5 एंड 6। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन स्टेटमेंट है द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। अगर एक हमारे पास कोई नंबर हो, अगर उसका हम 5 टाइम करें, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है x, उसका 5 टाइम करें इसका मतलब है वो 5x हो जाएगा। एक नंबर है हमारे पास x, उसका 5 टाइम किया x हो गया, उसके बाद कहता है उसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो यानी x स्क्वायर बन गया। फिर 5 टाइम अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर दोनों को कहता है कि सम करें उसका, तो वो आपके पास 204 के इक्वल आ जाता है। x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 204, 204 प्लस का इस साइड पे आएगा माइनस का हो गया। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखें, ऐसे पेयर्स इसके बना रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 204 आ जाए, प्लस या माइनस करें आप तो सिंपल आपके पास आ जाए
प्लस का 5 आ जाए, तो वो 17 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 204 भी आ जाता है और प्लस का 5 भी आ जाता है। x सिंपल कॉमन लें, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन लें, x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। x प्लस 17 अलहदा कर लें, x माइनस 12 अलहदा कर लें, 0 के इक्वल रख लें। x इज इक्वल टू माइनस 17, x इज इक्वल टू प्लस 12। माइनस 17 को अगर आप चेक करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट करके तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा आपके पास, यानी ये नेगेटिव नंबर नहीं आएगा इसका आंसर, यानी फिर आपके पास जो एग्जैक्ट नंबर बनेगा वो 12 होगा। तो 12 इज द रिक्वायर्ड नंबर जिसका आप जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई भी करें और उसका स्केयर लेके आप उसको ऐड करें तो वो 204 के इक्वल होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, यानी 5 लेस देन है, 5 कम है, किसके प्रोडक्ट है, 3 टाइम अ नंबर। अगर आप एक नंबर को 3 टाइम करते हो, लेट्स सपोज कि आपके पास एक नंबर है, आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हो, 3x हो जाता है वो, 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, और फिर आप उसमें से 5 को माइनस कर लेते हो, एक ये कंडीशन बन गई। फिर फर्दर कहता है 1 लेस देन, और उसी नंबर में से एक काम करें जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, फिर वो कहता है 7 के इक्वल बनता है, यानी ये आपके पास कंडीशन बन जाती है। एक नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो वो कहता है 5 लेस देन है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 लेस देन है, और इनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो 7 के इक्वल आ जाता है। फिर आप फर्दर 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ये आपके पास 12x स्क्वायर बन जाएगा, 3x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x आ गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 5 फोर सा 20x आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5 ये प्लस का 7 था इधर आके माइनस 7, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले 12x स्क्वायर माइनस ये वाला आपके पास 23x बन जाएगा, 5 में से 7 निकलेगा तो 2। अब इसके ऐसे पेयर आपने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 12 आर 24 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 23 आए, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा। यहाँ से 12x कॉमन x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, फिर x माइनस 2 दोनों साइड से कॉमन, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलहदा अलहदा से आप इसको 0 के इक्वल रख के तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोनों नहीं नंबर जो है वो हमने लिख लिए हैं, माइनस 1 ओवर 12 और 2 क्यों लिखा गया है, अगर हम इनकी चेकिंग करें, इनको पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है, तो ये दोनों नंबर इसके लिए सेटिस्फाई होंगे, इसलिए हमने ये चेकिंग में इस... Next, हमारे पास 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। लेट अ नंबर हमारे पास x है, x का डिफरेंस रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर x, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर x। तो कहते हैं उन दोनों का डिफरेंस करें तो वो 15 ओवर 4 के इक्वल होता है, नंबर x है और उसके रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर x का डिफरेंस करें तो 15 ओवर 4 के इक्वल होता है। यहां पे आप एलसीएम लेंगे, x आपके पास एलसीएम में आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर 4 4 1 जार 4, x 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15x आ गया, प्लस का 15x है इस साइड पे आएगा तो माइनस 15x हो जाएगा। उसके बाद ऐसे पेयर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 15 आए, तो 16 इसके पेयर बनेंगे, 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से आप जो चीज कॉमन ले रहे हो वो है आपके पास 4x प्लस 1 और x माइनस 4, ये आपके पास सिंपल कॉमन की शक्ल में आ गई। अलहदा अलहदा इनको 0 के ऊपर रख लें और उसके बाद आप वैल्यूज निकालें, प्लस 1 है इस साइड पे आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम ये देख रहे हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 है तो इस साइड पे आके ये प्लस 4 हो जाएगा। फर्दर हमारे पास ये एक नंबर आ जाएंगे जिनको हम जिसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 ओवर 4 आ जाएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 15 ओवर 4 के इक्वल आ जाएगा। ये वो दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका जिनको आप इस कंडीशन में करें तो 15 ओवर 4 के इक्वल आ जाएगा।